हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट बीम एंड कॉलम, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ कॉलम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं वन बाई वन बीम और कॉलम के टाइप्स के बारे में हम लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे What is beam? So you can see here, beam is a structural element that मैं just इस पे open कर लेता हूँ highlighter जिससे आपको proper दिखता रहे। Okay, beam is a structural element that prevents resist load applied lateral to the beam axis. Okay, और types of beams, simply supported beam जैसा कि आपको पता है, ठीक है, fixed beam, overhanging, डबल ओवर हैंगिंग दोनों साइड से लगे, अगर ऐसे है और एक सपोर्ट यहाँ पे है और एक सपोर्ट ऐसा है तो ये डबल ओवर हैंगिंग हो जाएगा। अभी मैं आके आपको ड्राइंग्स दिखाता हूँ उसमें। एंड कंटिन्यूअस जैसे ब्रिजेस में होता है, एंड कैंटिलीवर, एक साइड फिक्स रहेगा दूसरा साइड फ्री। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं ये। सी, दिस इज द कैंटिलीवर, वन साइड फिक्स एंड वन साइड, दिस इज द सिंपली सपोर्ट है। ओके, यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक व्हील सपोर्ट लगा रखे हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, दोनों साइड रोलर है और ये क्या है, ओवरहैंगिंग है। क्या ओवरहैंगिंग, वैसे तो इसको बोलना चाहिए डबल ओवरहैंगिंग, क्योंकि देखिए इधर भी है और इधर भी है। दिस इज द कंटिन्यूअस, ओके, ये कंटिन्यू है, एंड दिस इज योर फिक्स सपोर्ट, दिस इज व्हाट फिक्स सपोर्ट, ओके, क्योंकि दोनों साइड फिक्स है। एंड दिस इज अ कैंटिलीवर फ्रॉम दिस साइड एंड सिंपली सपोर्टेड फ्रॉम दिस साइड। ओके, तो हमने देखा ये कुछ मेजर टाइप्स आपको काफी क्लियर होंगे इस डायग्राम से। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं शियर फोर्स एंडिंग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब शियर फोर्स को अगर आप इस तरह से डिफाइन करोगे, शियर फोर्स एट द सेक्शंस इन अ बीम इज द फोर्स दैट ट्राइज टू शियर ऑफ द सेक्शंस। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहां से समझिए द अल्जेब्रिक सम, आप केवल यहां से लिख काउंट करिएगा तो आपके लिए बेटर होगा, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज हो जाएगा। द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग रिएक्शन एक्टिंग नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द बीम either to the left or to the right, मतलब positive negative both directions is called shear force, that's it, ठीक है। मैं shear force पे एक अलग PPT बनाऊंगा जिसमें बहुत पड़ा है, actually SFT BMT पे हम लोग numerical लेके आने वाले हैं, but उसमें थोड़ा सा समय है क्योंकि उसके लिए PPT तैयार करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है bending moment। bending moment क्या होता है, इसको भी आप यहीं से देख लीजिए, algebraic sum of all the moments of the forces about the section including reaction acting on the beam either to the beam axis or the left of the left or right of the axis, clear है? और displacement तो आपको पता ही होगा, displacement of a point from initial position of to the final position on elastic curve is called deflection, ठीक है? तो ये हमारा deflection था, bending moment और shear force। हम जब SOM के topic start करेंगे, SOM में आपको chapter wise सिखाऊंगा, तो वहाँ पे हम लोग इसको काफी deep में जाके सीखने वाले हैं SOM, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। एंड अब आते हैं हम लोग कॉलम्स पे। कॉलम क्या होता है, कॉलम इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर, इट ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम सीलिंग रूफ स्लैब टू बीम इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट ऑफ द फाउंडेशन। अब कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं, व्हाई कॉलम इज कॉल्ड, प्री लेमरी कॉलम्स कैरी एक्सियल लोड्स एंड देयर फोर आर डिजाइन फॉर कंप्रेशन, ठीक है। क्या होता है कॉलम, क्या होता है ये कंप्रेसिव मेंबर होता है, क्या होता है कंप्रेसिव मेंबर होता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं एक्सियल लोड गेन करते हैं। आपको पता होगा, आपने अगर डिजाइन किया होगा मैनुअल डिजाइन, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्सियल लोड कितना आ रहा है कॉलम पे, मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। टाइप्स ऑफ कॉलम, चलिए एक करके टाइप्स ऑफ कॉलम देख लेते हैं। बेस्ड ऑन सेम एक होता है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, इसमें हम लोग स्टील डालते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ लोडिंग, बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। चलिए एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ शेप, जैसे कि आपको पता है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, एल टाइप, टी टाइप, वी टाइप, हेक्सागोनल, आर्च विथ कॉलम्स, वाई टाइप विथ आर्च एंड वाई टाइप कॉलम्स। ओके, चलिए इनको ड्राइंग्स में देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। कैसी है, स्क्वायर, सर्कुलर, एल टाइप, टी टाइप, वी टाइप, वाई टाइप विद आर्च, वाई टाइप एंड आर्च एंड हेक्सागोनल। ये हम लोग आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
जैसे कि अगर आप इसको देखें तो ये क्या, ये पहले हम लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रिजेस में यूज करते थे। इसमें एक डिसएडवांटेज था, इसकी जो फुटिंग होती है गोली होती है जो बहुत ही ज्यादा जगह ले लेती है। अगर हम सिटीज के एरिया में अगर ब्रिज बना रहे हैं वहां पे अगर हमने यहाँ पे बड़ा सा कर दिया तो यहाँ पे कोई भी गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। तो हम लोग सिटी में आजकल जो मेट्रोज बन रही है उसमें हम लोग ये इस तरह के कॉलम्स को प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। व्हाइट है, विद आर्च ज्यादा चल रहा है कम्पेयर टू व्हाइट है। यहाँ पे देखिए ये बेस प्लेट होता है, यहाँ पे बेस प्लेट लगाया जाता है जिसपे हम लोग लोड देते थे। और अभी भी वाटर स्ट्रक्चर में हम लोग इसको प्रीफर करते हैं और नॉर्मल लैंड पे हम लोग इसको प्रीफर करते हैं। और ये होता है जहाँ पे हमारे पास जंक्शन होता है, इधर से भी बीम आ रही, इधर से भी और इधर से भी वहाँ पे आता है। यहाँ पे अगर कोई सेप इस तरीके का है तो उस तरीके के सेप आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं। ये इसलिए लगाते हैं, मान लीजिए इस पर हमने कोई बीम डाला इस तरीके से, ये बीम भाग रही है। बीम भागना मीन्स क्या होता है, कॉलम को कॉलम आगे ले जाने की कोशिश कर रही, गिराने की कोशिश कर रही है। तो उसको ज्वाइंट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल टाइप इसको दे देते हैं। और ये तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ये भी आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। और ये तो आपको पता है आर्क, जैसे कि आर्क शेप है तो वहाँ पे शेप को ही बनाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ब्रिक लगाना भी टफ होता है कम्पेयर टू ये, बल्कि ये इजी हो जाता है उसमें। चलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, इसमें से पहला है टाइट, दूसरा है स्पायरल, तीसरा है कंपोजिट। टाइट कॉलम आपको पता है ये होता है टाइट कॉलम जिसमें हम लोग टाइल्स लगाते हैं। यहाँ से देखिए टाइल्स लगाए हुए ढेर सारे हम लोगों ने। ये हमारे पास हुक होता है, हुक का मैक्सिमम एंगल कितना देते हैं, उसका मैक्सिमम एंगल हम लोग देते हैं 135 और इसका लेंथ कितना रहते हैं 90, कितना रहते हैं 90 और 75 कुछ एवर इज लेस। ओके, तो टाइट कॉलम आपको समझ आ गया होगा। सॉरी, नेक्स्ट होता है स्पाइरल कॉलम, जिसको है हम लोग बोलते हैं, हिलकली बोलते हैं। स्पाइरल में हम लोग मिनिमम देख, अच्छा हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉलम में मिनिमम नंबर मिनिमम डाया बार कितना डालते हैं 12। ओके, और मिनिमम नंबर ऑफ बार इन सर्कुलर इन रेक्टेंगुलर कॉलम इज 4, इन सर्कुलर कॉलम 6, तो इसमें मिनिमम कितना डालेंगे 6, इसमें मिनिमम 4। ये क्या होता है, कंपोजिट कॉलम होता है जिसके अंदर एक स्टील सेक्शन भी होता है जैसे आई सेक्शन, डब्ल्यू सेक्शन, कुछ भी हो सकता है। एक होता है यहाँ पे हम लोग नॉर्मल, जो हम लोग के पास कंक्रीट होता है, नॉर्मल कंक्रीट के अंदर हम लोग एक आई सेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट कॉलम। और कंपोजिट कॉलम यूज कहाँ करते हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसके लिए एक कवर को बहुत ध्यान से देना पड़ता है, जिसे हम लोग हार्बर का कंस्ट्रक्शन करते हैं या ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो एरिया हमेशा के लिए वाटर में जाने वाला है और वहाँ पे स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे केसेस में हम लोग कंपोजिट कॉलम करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर केवल आई सेक्शन किया तो वाटर का करोजन, क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर ये कॉलम एक सी के अंदर रहेगा, समुद्र के अंदर रहेगा, तो वहाँ पे समुद्र में, समुद्र के टच में जहाँ पे लोग हार्बर वगैरह यूज करते हैं, तो वहाँ पे वाटर का पीएच बहुत ही छारी होता है, तो वहां से क्या होगा, वो पूरा का पूरा साल्ट इसका जो स्टील है खराब कर देगा। आपको पता है ना कंस्ट्रक्शन के लिए जो वाटर का पीएच होना चाहिए होता है 6 to 8 पीएच होना चाहिए उसका। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट कॉलम, जिसमें से यहाँ पे हम लोग ढेर सारा कवर प्रोवाइड कर देते हैं। अब हार्बर के केस में मिनिमम 40 mm एंड मैक्सिमम 75 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम स्टील के टच से काफी दूर रहे, समझ में आएगा। ओके, और ये है वेस्ट ऑन लोडिंग। वेस्ट ऑन लोडिंग में एक्सियल लोडिंग होता है, एक्सेंट्रिक होता है। एक्सेंट्रिक में दो होते हैं, यूनि एक्सियल, बाई एक्सियल। एक्सेल में क्या होता है, लोड सेंटर पे आता है, कहाँ आता है, सेंटर पे आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यूनि एक्सियल में क्या होता है, यूनि एक्सियल में वन साइड से आता है बट वो सेंटर पे नहीं जाता, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें टू साइड, बाई एक्सियल में टू साइड से आता है बट वो सेंटर पे नहीं जाता दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लेंडरनेस रेशियो, बहुत कम लोगों को पता होता है। इफ एल एक्स बाई डी, इफ एल एक्स बाई डी is less than 12, तो क्या रहेगा, शॉर्ट कॉलम होगा। lx क्या होता है और मैं अभी डिस्क्राइब करता हूँ, और lx by d equal to क्या बोलते हैं, is greater than 12 रहेगा तो लॉन्ग कॉलम होगा। lx means length, height, जैसे कि मान लीजिए एक कॉलम है जिसकी हाइट कितनी है 300, मतलब 3 मीटर, 3 मीटर मतलब कि 3 मीटर हो गया ये, ओके। उसका जो d है, ये तो lx means हो गया 3000, मतलब 3 मीटर। उसका जो d है वो कितना है, मतलब कि इसका क्या बोलते हैं डेप्थ कितना है, मान लीजिए 300 mm। अब इसको और इसको हमने काट दिया, ये और ये इसको काटा, इससे कितना है 10, मींस ये 12 से छोटा है, मतलब ये किस में चला गया, शॉर्ट कॉलम में चला गया। किस में चला गया, शॉर्ट कॉलम में, समझ में आया होगा आपको आई थिंक, ठीक है। ये जो हम लोग देखेंगे तो ये शॉर्ट कॉलम में, अगर यहाँ पे 100 होता मान लीजिए तो कितना होता है, ये 30 हो जाता, और 30 किस में चला जाता, लॉन्ग कॉलम में, क्योंकि 12 से ज्यादा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड कितने टाइप के लोड हम लोग की बिल्डिंग पे एक्ट करते हैं, जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो डेड लोड यूज करते हैं, लाइव लोड, बिल्ड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड,
अब आपको पता होना चाहिए डेड लोड क्या है, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेड लोड, एंड मूवेबल लोड इज कॉल्ड लाइव लोड, एंड विंड को हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है वीवी K1 K2 K3, इस पे मैं पीपीटी बनाने वाला हूं जल्दी, कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं प्रॉपर हम आपको समझाऊंगा। और स्नो लोड जहां पे हम लोग वर्क एरिया होता है, जैसे कि कुछ पार्ट होता है कश्मीर का और कुछ हिमाचल के भी कुछ पार्ट पोर्शन है जहां पे स्नो हमेशा स्लाइड करता रहता है, ऐसे जगह पे स्नो को भी ध्यान देते हो, मीन्स टेम्परेचर को ध्यान देते हुए डिजाइन करते हैं। अर्थक्वेक आपको पता ही, अर्थक्वेक को हम लोग उसको रिएक्टर में देखते हैं कि मैक्सिमम कितने रिएक्टर तक हम डिजाइन कर सकते हैं, तो मैंने उसके लिए ईटैप पे एक वीडियो भी बनाया है, तो देखिए ईटैप में कैसे उसको यूज करते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल सपोर्ट होता है, एक होता है इंटरनल सपोर्ट। अब एक्सटर्नल के भी अलग अलग टाइप है, जैसे फिक्स, पिन और हिंज, रोलर, रॉकर, सिंपली सपोर्ट। चलिए हम एक एक करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए आपने ऐसे सपोर्ट देखे होंगे बट आपको पता नहीं था कि फिक्स सपोर्ट है, आपसे आप जान सकते हैं ये फिक्स सपोर्ट होता है। और ये क्या है, ये हमारा रोलर है, ठीक है। आजकल तो स्टील स्ट्रक्चर कम बन रहे हैं, इसको आपको कम देखने को मिलेगा, ये तो बिल्कुल भी कम देखने को मिल रहा है। रॉकर ये पहले होता था, अभी थोड़ा कम यूज कर रहे हैं, और ये होता हमारा पिन सपोर्ट जो आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, वो क्लियर हो गया होगा सपोर्ट। चलिए देखते हैं, और ये कंटिन्यूस सपोर्ट है, ठीक है, मतलब सिंपली सपोर्टेड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रिजेस है और ये कंटिन्यू होता चला जाएगा, ठीक है। रोलर सपोर्ट का सिंबल ये होता है और ये फोर्स करते हैं। स्लैब, चलिए हम लोग स्लैब के बारे में डिस्कस करते हैं। अ स्लैब इज अ फ्लैट टू डायमेंशनल प्लानर स्ट्रक्चर एलिमेंट हैविंग थिकनेस स्मॉल कंपेयर टू इट्स टू डायमेंशन, ठीक है। बेस्ड ऑन शेप, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन सपोर्ट, बेस्ड ऑन यूज एंड बेस्ड ऑन स्पेनिंग डायरेक्शन। हम लोग मैक्सिमम आजकल ये प्रीफर कर रहे हैं, जिसको हम लोग कन्वेंशनल टाइप बोलते हैं मेनली। कन्वेंशनल के दो टाइप हैं, पहला कौन सा, वन पे, दूसरा क्या है, टू। बेस्ड ऑन शेप आपको पता है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर आपको मिल जाएगा, सम सपोर्टेड कैंटिलीवर, ओवर हैंगिंग एंड फिक्स ये हो जाएगा। बेस्ड ऑन रूफ, रूफ फ्लोर स्लैब, फाउंडेशन स्लैब और वाटर टैंक स्लैब, बट हमें जो समझना है वो ये समझना है वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, आगे मैं इसकी डिजाइन करूंगा। वन वे स्लैब क्या होता है, इफ एलेक्स वाई एल वाई इज ग्रेटर देन टू, इन क्या होगा, वो वन वे स्लैब होगा। इफ एलेक्स वाई एल वाई इज लेस देन टू, ये क्या होगा, टू वे स्लैब होगा। मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, मान लीजिए ये कितना है टू और ये कितना है सिक्स, अब सिक्स बाई टू किया हमने एलेक्स वाई एल वाई, तो हमने इसको इससे काटा तो कितना आया थ्री, ये दो से ज्यादा है मतलब वन वे स्लैब है, और अगर ये फोर है और ये भी फोर है, फोर बाई फोर काटा कितना है वन, ये क्या हो गया दो से कम है, दो से कम मतलब ये क्या बोलते हैं टू वे स्लैब है। मींस अगर आपको अगर मोटा मोटा हिसाब लगाना है तो वो ये देखिएगा कि अगर रेक्टेंगुलर शेप है जिस तरीके से है तो वो होगा वन वे, और अगर सर्कुलर शेप सॉरी स्क्वायर शेप है तो वो क्या होगा टू वे होगा। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए इसमें जो वन वे में जो हो रहा है, स्पैन हमेशा केवल एक डायरेक्शन में पड़ता है, देखिए स्पैन केवल एक डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, और इसी में आगे हम देखेंगे टू वे स्लैब में, तो टू वे स्लैब में हमारे पास स्पैन इधर से भी पड़ा है इधर से भी पड़ा है। इसमें हम लोग मिसिंग करते हैं टॉर्जन के कारण, टॉर्जन एक बड़ा टॉपिक है, मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। जब स्लैब होता है, स्लैब इधर से डिफ्लेक्ट होने का चांस रहता है, मतलब उठने का चांस रहता है, इधर से उठने का चांस रहता है, मतलब चारों डायरेक्शन से उठने का चांस रहता है, इसलिए कॉर्नर कॉर्नर पे क्या करते हैं स्लैब में, टू वे स्लैब में मेसिंग कर देते हैं, ये मेनली डिफरेंस रहता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, एल एक्स वाई एल वाई हमने आपको बताया, और तीसरा इसमें डबल डायरेक्शन में स्पैन होता है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस पीपीटी को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको सिविल के बारे में कुछ भी पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट unixcivil.com पे जाइए, और वहाँ पे आपको लगभग सारी चीज़ें मैंने अवेलेबल करने की कोशिश की है। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करेंगे तो मैं जरूर इस पर कुछ ना कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, तो जिससे हमें भी अच्छा लगे और हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक ला सकें। थैंक यू।